जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी कल तक हम जो चीजें देखे थे उसमें कोई क्वेश्चन? कल हम बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिस्कशन कर रहे थे और उस पे हमने छोड़ा था कि देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखना है। जी कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा जी, किताब से तो देखते हैं, कॉन्क्रीट करते हैं, फिर इसमें से जो चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है उनको साथ में देखते हैं। अच्छा जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिस्कशन है, क्वांटिटी सप्लाई इन रिलेशन टू परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस, उसकी बात करते हैं। वेरी ऑफ रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करते हैं। वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही बात है यहाँ पे हमें कहीं और एवरेज प्राइस न्यू प्राइस को उसको हमने डिस्कस किया। और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक वही हमने कल भी डिस्कस किया था, परफेक्टली इलास्टिक जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक है। 8 रुपए के ऊपर मार्केट में सप्लाई होगी, 8 रुपए से नीचे भी आप सप्लाई नहीं कर सकते, 8 रुपए से ऊपर भी सप्लाई नहीं कर सकते। सप्लाई विल हैव टू बी ऑन 8 रुपीज, 8 रुपए के ऊपर ही आप कर सकते हैं। आइडियल काइंड ऑफ सिचुएशन है, थ्योरेटिकल सिचुएशन है। इलास्टिक सप्लाई वही पी एस इज मोर देन वन इलास्टिक, और इलास्टिक का हमने देखा फ्लैटर कर्व है, जो इन इलास्टिक होगी वो थोड़ी सी स्टीप कर्व होगी और इलास्टिक की हमारी फ्लैट कर्व है। कैलकुलेशन वही एग्जांपल के साथ कैलकुलेशन है, और यूनिटरी इलास्टिक 45 डिग्री के एंगल पे ईएस इक्वल टू 1, 45 डिग्री के एंगल ये 45 मिडल के ऊपर दोनों एक्सिस के दरमियान में यूनिटरी इलास्टिक, और ये हमने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 और वो हमारा स्टीपर सप्लाई कर्व वो हमारी आ गई। अच्छा जी, अनिशा कुछ पूछ रही है, जी कह रही सर बुक में एक कंट्राडिक्शन है पेज 73 पे इन इलास्टिक डिमांड का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, पेज 73 पे चले जाते हैं जी। जी इन इलास्टिक डिमांड प्राइस एंड रेवेन्यू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी बात कर रहे हैं अलीशा? This point, go talk about. जी इन इलास्टिक है अपोजिट डायरेक्शन में, हमने यहां पे बात क्या कर रहे हैं सिर्फ हम थोड़ा सा क्लैरिटी कर लेते हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं इन इलास्टिक है, दैट मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस वाज 10, क्वांटिटी डिमांड वाज फॉर एग्जांपल 100, price is
15, quantity demand is 105, sorry, is 90. The fourth point we take in, fourth point we take in, 1, 2, 3, 4. Price and revenue move in the same direction, move in opposite direction. अच्छा, असल में ये गलती है, this thing reprint कर दिया है, ये जो point था, जो elastic demand का point था, वो reprint कर दिया यहाँ पे. तो ये किताब की गलती है, nothing else. इसको आप delete कर दें, इसको ignore कर दें, और आपको ये point आपका वही है जो हम यहाँ पे बात करने लगे थे कि अगर आपका 1000 है और 1050 तो आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ और इन इलास्टिक है, इसलिए प्राइस एंड रेवेन्यू सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होगी, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे. ठीक है, पोजीशन क्लियर. Okay or not? Yeah. Actually, supply quantity, supply elasticity of supply. उसकी बातें हम कर रहे थे. ये सारी वही बातें चली गईं. और perfectly inelastic, perfectly inelastic तो हमने कहा था. Supply equal to zero. और perfectly inelastic की एक example भी शक्ल भी दिखा दी. कि ग्राफ ये vertical होगा बिल्कुल. आपके पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस. अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे कि जनाब भाई जान, ये आपने बात समझा दी सर, ठीक हो गया, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई विल बी इलास्टिक और इनइलास्टिक. जो कल हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे वो यहां से ही किए थे. ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक. अगर सप्लायर के पास स्टॉक अवेलेबल होगा वो सप्लाई को अपनी मर्जी से काम ये ज्यादा कर सकेगा, और अगर उसके पास स्टॉक एग्जिस्ट भी करेगा, ज्यादा स्टॉक मौजूद नहीं होगा, तो वो फ्लेक्सिबल भी होगा, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस. हायर स्टॉक हायर इलास्टिसिटी, लोअर स्टॉक लोअर इलास्टिसिटी. हायर एबिलिटी टू होल्ड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन टू स्टोर will create a higher elasticity, and low ability to hold the quantity produced in stores will mean a lower elasticity. If bad stock exists, then these will be sold if demand increases without the need for price to rise. अगर आपने स्टोर को चीज की होगी, आप अपनी मर्जी से जिसको डिमांड इंक्रीज हुई उसको आप सेल कर सकते हैं. Or if demand falls, then good will be withdrawn from the sale and stored. This avoids surplus pushing price down. Our consumer को की demand कम हुई, supplier ने अपने पास store करना शुरू कर दिया, तो demand market में surplus नहीं आएगा और demand और price down नहीं जा सकेगी. अच्छा जी, greater ability to farm to switch resources. कल जो हमने discuss किया था, एक product बनाने से दूसरी product ऊपर अगर आसानी के साथ शिफ्ट कर सकेंगे, आपकी सप्लायर विल बी इलास्टिक. और अगर हम आसानी के साथ शिफ्ट नहीं कर सकेंगे सब्स्टिट्यूट और प्रोटीन प्रोडक्शन को, तो फिर हमारी सप्लायर विल बी इन इलास्टिक. ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. ग्रेटर ईज विल मीन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, और लोअर ईज विल मीन लोअर फ्लेक्सिबिलिटी. इलास्टिसिटी जहां पे ईज एंट्री एंड एग्जिट आसान होगा वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हाई होगा, जहां पे एंट्री एंड एग्जिट मुश्किल होगा वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लो होगा. शॉर्ट टर्म लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस अगर शॉर्ट होगा, आसानी के साथ प्रोड्यूस की जा सकेगी, तो आपकी इलास्टिसिटी हाई होगी. और अगर प्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा लंबा होगा तो आपकी इलास्टिसिटी विल बी लोअर. ठीक है, ये कल जो बातें हमने कही थी, डिटर्मिनेंट्स किन वजूहात की बिना पे प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है, एक वजह होती है.
ये वजह भी है डिमांड कंडीशन में चेंज चेंज इन डिमांड कंडीशन वो किस लेंथ ऑफ टाइम के लिए है फॉर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम डिमांड कंडीशन हैज चेंज्ड अगर तो वो फौरी तब्दीली आई है और कहते हैं कि आज के आज अभी के अभी इसी वक्त मुझे एयर कंडीशनर चाहिए 1,00,000 एयर कंडीशनर चाहिए इसी वक्त चाहिए तो सप्लायर क्या कहेगा वो कहेगा मेरे पास जो अवेलेबल स्टॉक है सिर्फ वो ही मैं आपको सप्लाई कर सकता हूं कोई और प्रोड्यूस करके कोई नई फैक्ट्री लगा के तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के मैं आपको सप्लाई नहीं कर सकता अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में से कर सकता हूँ क्योंकि एयर कंडीशनर बनाने के लिए मुझे सामान खरीदना पड़ता है सामान खरीद के मैं उसको अपने पास असेंबल करता हूँ फिर उसको चेक करता हूँ फिर मैं आपको डिलीवर करता हूँ तो दैट टेक्स अराउंड 1 वीक और 1 मंथ मैं ये नहीं हो सकता आपको 1,00,000 एसी चाहिए और मैं आज ही आपको 1,00,000 एसी प्रोवाइड कर दूं आज के दिन अगर आपको 1,00,000 एसी चाहिए तो मेरे पास स्टॉक में शायद 100 एसी पड़ा हुआ है या 1,000 एसी मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है दिस इज द ओनली सप्लाई दैट आई कैन मेक मोमेंटरी मार्केट पीरियड इस वक्त मैं आपको इतनी सप्लाई कर सकता हूं ना इससे ज्यादा कर सकता हूं ना इससे कम कर सकता हूं अगर आप डिमांड कंडीशन चेंज करते हैं मोमेंटरी मार्केट कंडीशन मोमेंटरी मार्केट कंडीशन मार्केट पीरियड मोमेंटरी पीरियड मार्केट पीरियड आज क्या है अभी क्या है तो आप कहेंगे सर दिस इज द डिमांड इनिशियल डिमांड नो डिमांड हैज चेंज बट आई कैन नॉट यस दिस डिमांड इज फॉर टुडेज मार्केट टुडे सिचुएशन टुडे मार्केट की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो आई कैन ओनली सप्लाई whatever I have in hand. My supply will be perfectly inelastic. In the current momentary condition, market period condition, my supply will be perfectly inelastic. I cannot offer you more than this. Whatever I have in my hand, I cannot supply more than this. 1,000 एसी मेरे पास बने हुए थे यार मौजूद है मैं 1,000 एसी ही आपको प्रोवाइड कर सकता हूं 1,00,000 एसी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा इस मोमेंटरी प्रेशर से प्रेशर क्या है ये देखिए मोमेंटरी प्रेशर से जो देखने वाली चीज है कि 1,000 एसी वैसे अगर प्रोवाइड करते तो हम इस प्राइस पे देते अब डिमांड शिफ्ट की वजह से 1,000 एसी वी आर विलिंग टू प्रोवाइड ऑन दिस प्राइस प्राइस इंक्रीज आई अच्छी खासी प्राइसिंग प्राइस ने जंप लिया मोमेंटरी प्रेशर की वजह से और वो क्यों वजह क्या थी इस प्राइस जंप की रीजन क्या बनी कि वी आर ओनली बीन एबल टू सेटिस्फाई द करंट अवेलेबल स्टॉक हम नए स्टॉक बढ़ा नहीं सकेंगे सेकेंड कंडीशन कहा कि अच्छा ये बात तो आपकी समझ आ गई चले हम कहते हैं ये आपको मोमेंटरी लेकिन वो शॉर्ट टर्म कंडीशन भी हुई होगी मार्केट पीरियड भी है जी बिल्कुल शॉर्ट टर्म मार्केट पीरियड जो हम एग्जांपल देख रहे हैं कि कहें जी ये जो मार्केट में जो डिमांड में चेंज आई है कंडीशन ऑफ डिमांड जो चेंज आई है दिस चेंज इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड में आप चले आप हमें आज ना दीजिए एक महीने तक दे दीजिए 1 मंथ तो 1 मंथ तक प्रोवाइड करने के लिए भी आप कहेंगे सर मैं आपको 1 मंथ तक प्रोवाइड कर दूंगा बट आई विल बी नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस 100,000 यूनिट्स मेरे पास शायद 1,000 यूनिट्स कैपेसिटी नहीं होगी मुझे मैं लोगों से पकड़ूंगा मार्केट में जाऊंगा दूसरे प्रोड्यूसर्स जो से हैं उनसे और जिस दिन 10 बंदों के पास जाऊंगा जिस जिस बंदे ने 10 10,000 रुपया 10,000 एसी के पास पड़े होंगे मैं उनसे
वो परचेज करूंगा फिर आपको सप्लाई कर दूंगा दैट विल टेक टाइम कुछ मैं अपनी प्रोडक्शन करूंगा मेरे पास अभी 10,000 यूनिट है मंथली मेरी प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल 30,000 यूनिट की मंथली प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो कुछ मैं अपनी प्रोड्यूस करूंगा 30,000 यूनिट 40,000 हो जाएंगे स्टॉक के साथ मिला के कुछ मैंने अपनी मंथली सेल भी करनी होती है वो चले 10,000 जो मेरे पहले मौजूद थे वो निकल जाएंगे 30,000 मैं अपनी प्रोड्यूस कर दूंगा बाकी 70,000 यूनिट में लोगों से परचेज करके आपको दूंगा यहाँ पे भी मेरी कॉस्ट क्योंकि ज्यादा होगी हायर होगी क्योंकि मैं लोगों से परचेज कर रहा हूँ तो आई विल नॉट बी विलिंग टू सेल फॉर लेस मेरी सप्लाई कर्व विल बी ऑलमोस्ट इनइलास्टिक ऑलमोस्ट इनइलास्टिक रिलेटिवली इनइलास्टिक माई सप्लाई कर्व will be relatively inelastic. अब इसमें जो price के ऊपर pressure आएगा वो देखें अब price के ऊपर pressure आया है price increase हुई है but जितनी पहले हुई थी उससे कम हुई है अब price के ऊपर pressure आया है price increasing but not like जितनी पहले pressure आया था उतनी ही increase उससे कम हुई है disproportion कम increase हुई है फिर कहा अच्छा शॉर्ट रन के अंदर आप ना करें आप लॉन्ग रन की बात कर लें आप इस तरह कीजिए टाइम ले लें साल एक में बना के दे दें दस साल एक साल में आपको अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज कर लें आपको जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉन्ग रन की आप बजाय इसके कि लोगों से खरीदें आप अपने पास से खुद ही से बनाइए खुद ही ये अभी आपकी कैपेसिटी जितनी है उसी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लें बना लें अब यू मेक योर ओन डिसीजन अब इस तरह कीजिए हमारी डिमांड की कंडीशन पर फर्क आ गई डिमांड बढ़ गई बट यू टेक योर टाइम हमें कोई प्रेशर नहीं है तो क्या होगा नाउ वी विल बी विलिंग टू इंक्रीज आवर सप्लाई फॉर लेस प्राइस कम प्राइस के ऊपर भी हम अपनी सप्लाई इंक्रीज करने को तैयार होंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट कम होगी ऐसे ही ना हमारी सप्लाई कर्व विल बी मोर इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी मोर इलास्टिक अब इस पे देखें प्राइस के अंदर क्या प्रेशर आया इस पे भी प्राइस में प्रेशर आया है लेकिन अब बहुत थोड़ा प्रेशर आया है प्राइस के ऊपर प्रेशर आया लेकिन थोड़ा प्रेशर आया अब क्यों थोड़ा प्रेशर आया क्योंकि अब आप अपनी कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए कम कॉस्ट के ऊपर अपनी पूरी फैसिलिटी इस जो डिमांड कंडीशन ऑफ डिमांड में जो चेंज आई है उस कंडीशन ऑफ डिमांड को आप अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और ये कंडीशन ऑफ डिमांड में जो चेंज है ये लॉन्ग रन पीरियड के लिए आई है लंबे अरसे के लिए आई है आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं 1,00,000 एसी अब आपको पता है कि हर महीने मुझे 1,00,000 एसी प्रोड्यूस करने हैं आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं अपनी एबिलिटी को बढ़ाते हैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं सिनर्जीज का इंपैक्ट उठाते हैं आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है तो वो सारे फायदे होंगे आप कम प्राइस के ऊपर भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं क्लियर जा रहे हैं सो रहे हैं उठे हैं अच्छा दो तीन लोग हैं अच्छा और भी आ गए चल ब्रो सब लोग नहीं सोए एक अलग देख रहे हैं और ये अच्छी मूवमेंट है अच्छा जी क्लियर है जी ये तीन हमारे सामने बातें आ गई अब इन्हीं तीन बातों को उसने क्या किया यहाँ पे हमारे सामने देखे ये जो बातें हमारे पास हैं मोमेंट्री Immediate following the demand change, and supply has had no chance to respond. No chance to respond. Air supply is perfectly inelastic. Short run period and intermediate stage when supply has begun to change but has not fully incorporated the demand change. Air supply is inelastic. Long run period, the time period in which supply has fully adjusted to the change in demand, their supply is most elastic. वो जो तीन हमने यहाँ पे
प्रेजेंटेशन देखी, ग्राफ देखे, उन्हीं पिक्चर्स को उसने एक ग्राफ के अंदर दिखाया, उन्हीं तीनों पिक्चर्स को, तीनों ग्राफ को उसने एक ग्राफ में दिखाया. दिस इज डिमांड, दिस इज चेंज इन डिमांड. दिस इनिशियली इज मोमेंट्री डिमांड, मोमेंट्री पीरियड वेयर वी विल हैव लेस ऑफ अ चेंज, वी कैन नॉट चेंज. This is initial demand, this is initial supply. This is, ये देखिए, ये initial demand थी, ये initial supply थी. जी, clear है? अच्छा जी. इस पीरियड के ऊपर वी वर नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस, हम कुछ भी चेंजेस ना कर सके. तो उससे क्या होगा, आपकी प्राइस जो इनिशियल सप्लायर वो डिमांड को कहां पे इनिशियल कट कर रहे थे, वो यहां पे कट कर रहे थे. दिस वॉज इनिशियल प्राइस. जब आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सके तो इनिशियल जो आपकी प्राइस के ऊपर प्रेशर आया वो पी जीरो से पी एम मार्केट प्राइस तक आप पीएम मार्केट पीरियड प्राइस तक आप इंक्रीज करते. फिर आप डिमांड कंडीशन के मुताबिक आपने अपनी सप्लाई को मोडिफाई किया, शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आए तो अब आपकी प्राइस पीएस शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आ गई, और लॉन्ग रन के अंदर जाके आप अपनी सप्लाई वही जो इनिशियल सप्लाई कर थी उसी के ऊपर वापस आ गए. And you were able to make the adjustment. आपने इस लाइन को इग्नोर कर दिया. ये जो लाइन है that is useless, that is unnecessary, ये बगैर वगैरह क्या है, इसको इग्नोर करेंगे. सिर्फ सप्लाई की तीन डायमेंशन, ये और ये डायमेंशन देखनी है जो कि हमने यहां पे देखी, ये और ये. इन्हीं तीन डायमेंशन को आपने सप्लाई देखना, ठीक है जी. इसको अभी इग्नोर कर देंगे, ये लाइन को नहीं देखना. क्लियर है? इन द मोमेंट्री पीरियड द प्राइस राइज फ्रॉम टुवर्ड्स पीएम, यही बातें कर रहा है. प्राइस राइज टुवर्ड्स पीएम, पी जीरो से पीएम फिर चली जाती है. इन शॉर्टर पीरियड द इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एडजस्ट प्राइस टुवर्ड्स पीएस, पीएस के ऊपर आ जाते हैं. इन द लॉन्गर पीरियड द प्राइस एडजस्ट टू पी वन, वो पी वन पे एडजस्ट हो जाती है, जहां पे आपकी इनिशियल सप्लाई का रुक जाते. इस लाइन का कोई दुख नहीं, कोई जरूरत नहीं, ना भी कोई डिस्कशन है, ठीक है. ये ग्राफ ऐसे कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि सर पता नहीं ये ग्राफ के अंदर क्या है, कोई समझ नहीं आती. तो आपने इस लाइन को इग्नोर करना है, और ये जो हमने तीन अलग अलग ग्राफ देखे, ये तीन अलग अलग ग्राफ देखें, इनको अगर समझ लेंगे तो आपके लिए यहां पे समझना आसान हो जाएगा. मोमेंट्री पीरियड इसको क्योंकि इक्विपमेंट पे थी, इसमें चेंज नहीं कर सकते थे आप सप्लाई को, तो आपकी डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस पे प्रेशर आ गया. फिर शॉर्ट रन के अंदर आपने रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड सप्लाई कर्व करके, और लॉन्ग रन के अंदर आप फिर दोबारा से अपनी इनिशियल सप्लाई कर्व जो कि इलास्टिक सप्लाई कर्व किया उसके वापस आ गए, तो आपकी प्राइस के ऊपर जो पहले प्रेशर आया था उससे कम होता जाएगा प्रेशर. क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं? अंडरस्टैंडिंग द इश्यू द प्रॉब्लम. क्लियर? ये एग्जाम्पल उन्होंने दी मोबाइल फोन फुल कैपेसिटी पे. इफ देयर इज सम सडन राइज इन डिमांड, डिमांड में इजाफा करेंगे तो क्या, वही हम एयर कंडीशनर की एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उसी को हमने अनएबल फॉर्म में भी अनएबल टू इमीडिएटली सप्लाई द मार्केट मोर देन व्हाट इट प्रोड्यूसेस, इट्स सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक. आफ्टर सम टाइम दे कुड ऑर्डर मोर मटेरियल फ्रॉम सप्लायर and gradually increase the quantity to the market. This might not be the most efficient means of doing so, however meaning that the additional products that are supplied will be priced higher.
In the long run, the firm can produce more efficiently and the increased output, meaning that the price they can supply to the market is lower and therefore the curve is flatter. Interacting with the new demand curve will mean that, as the diagram indicates, as the market moves from momentary to short run to long run, the equipment price decreases. Equipment price decreases. جی حالت مشکل نہ مشکل ہم نے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ جناب ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے سپلائی کیا ہوتی ہے الاسٹیسٹی آف سپلائی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کراس پرائز الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو گئی آپ کہتے ہیں جناب یہ تو باتیں آپ نے جو کی ہیں وہ باتیں اپنی جگہ پہ تو سمجھ آ گئی لیکن یہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں مارکیٹ میں پرائسز بعض پروڈکٹ کی تو فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہیں اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے شیئرز کی جیسے پرائسز ہیں شیئر کی مارکیٹ جی کل جی اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی پرسوں اتنی گر گئی اتنی گر گئی شیئر کی پرائس کل 112 روپے تھی آج 105 روپے ہو گئی پرسوں 130 روپے ہو گئی سر واٹ از دس دودھ کی قیمت سارا سال 70-75 روپے ہے تو وہ 70-75 روپے ہی رہتی ہے گندم کی قیمت آٹے کی قیمت سارا سال اگر 30 روپے 35 روپے کلو آٹا بک رہا ہے تو 35 روپے کلو ہی آٹا رہتا ہے باقی بھی وہ پروڈکٹس ایسی ہیں جو پروڈکٹ کوئی پروڈکٹس ایسی ہیں جن کی پرائز میں فلکچویشن از ہائی اور کچھ پرائسز ایسی ہیں جن میں فلکچویشن اتنی ہائی نہیں ہے وہ سٹیبل پرائسز ہیں وائی دس از دی کیس مارکیٹ اس طرح سے بیہیو کیوں کرتی ہے آپ کا کیا خیال ہے کیوں اس طرح مارکیٹ بیہیو کرتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے چلیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے جو کانسیپٹس وہی ہیں جو اب تک ہم نے پڑھنی ہیں کچھ کانسیپٹس اب ہم نہیں انٹروڈیوس کرتے بٹ اسٹل وی نیڈ ٹو گیٹ ہولڈ آف دی تھنگس کہ ٹھیک ہے انہی کانسیپٹس کو یوز کرتے ہوئے وی مسٹ بی ایبل ٹو پریڈکٹ وی مسٹ بی ایبل ٹو انٹرپریٹ دیٹ ہاؤ دی مارکیٹ از گونا بہیو آپ کو اپنے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہو وہ کیسے پرائس اسٹیبلٹی اور اس طرح کی باتیں بھی کہ ملک مارکیٹ کے اندر وہ کہتے ہیں ملک مارکیٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں پرائس اسٹیبل ہے ملک مارکیٹ کے اندر پرائس اسٹیبل پرائس اسٹیبلٹی کس کے ساتھ ہے پرائس آف پرائس اتنی زیادہ چینج نہیں کرتی پرائس آن دی انٹرنیشنل مارکیٹ مارکیٹ ویئر پرائس چینج کانسٹنٹلی دیئر از ڈفرنس دیئر فار وی نو ملک مارکیٹ کے اندر اب کیا ریزن ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک مارکیٹ میں سپلائی از الاسٹک ون آف دی کریٹیریا آف ملک مارکیٹ از فیئرسلی کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف سپلائی دیر آر لاٹس آف فرم ایبل ٹو سپلائی ٹو دی مارکیٹ and the consequently if the pricing varies slightly quantity will increase jab humne supply ke determinants padhe the uske andar padha tha ki wo stock kar sakte hain to milk ko zyada lambe se tak stock nahi kiya ja sakta ease of entry and exit hai ji aasani ke sath koi bhi shakhs jiske paas dair maujood hai wo bajaye iske ke khud istemal kare wo market mein aa sakta hai market ko supply kar sakta hai jis waqt market ke andar demand rehta hai اور جب مارکیٹ اندر کم ہو جائے گی تو وہ اس سے استعمال کرنا شروع کر دے گا وہ مارکیٹ کو سپلائی نہیں کرے گا تو ایز آف اینٹری اینڈ ایگزٹ بھی ہے تو ہمیں اسپیکچرلی الاسٹک جو دودھ کی سپلائی ہمیں لگ رہی ہے وہ اسپیکٹیکولری الاسٹک لگ رہی ہے بہت زیادہ الاسٹک سپلائی ہمیں نظر آتی ہے اس کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ میں تو بہت زیادہ فرق آ بھی جائے جیسے عید کے اوپر رمضان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں دودھ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا دودھ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا سپلائی
नहीं क्योंकि इलास्टिक सप्लाई है, हमें पता है कि लोग सप्लाई करने के लिए आ जाएंगे, जो दूध मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहे वो भी दे देंगे, जो मजबूर है उनको दूध स्टोर नहीं कर सकते, पहले वो उसका शायद खोया बना लेते थे या उसका कुछ और कर लेते थे, वो भी खोया नहीं बनाएंगे, वो इसको कन्वर्ट कर देंगे टूवर्ड्स मिल्क सप्लाई और दूध को मार्केट में मिल्क की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें जो मार्केट के प्राइस प्रेशर देखें, क्योंकि इलास्टिक सप्लाई है, डिमांड में अगर कोई तब्दीली आई भी है, हमारी प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई। सेम गोज फॉर अदर प्रोडक्ट्स जो कि जिनके अंदर फ्लक्चुएशन प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा नजर नहीं आती, उनकी डेफिनेटली या तो डिमांड इलास्टिक और या सप्लाई इलास्टिक। जितनी इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई होगी उतना ही कम प्राइस के ऊपर प्रेशर आएगा, और जितनी इन इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई होगी उतना ही ज्यादा प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। ये चीज मतलब मोटा मोटा ढांचा मसला है ना, वो ये इन इलास्टिक डिमांड और सप्लाई विल कॉज मोर फ्लक्चुएशन इन प्राइस, एंड इलास्टिक हायर द इलास्टिक सप्लाई एंड डिमांड लेस फ्लक्चुएशन इन प्राइस। ये सादा सा वो मामला है। एक एग्जांपल मिल्क की थी, दूसरी एग्जांपल कॉर्न मार्केट की थी। कॉर्न मार्केट का क्या है, कॉर्न की सप्लाई भी इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक इन दैट सेंस के कॉर्न प्रोड्यूस करना है, उसकी फसल लगानी है, फसल के में तैयार होना है, वो 3 महीने 6 महीने उसके लग जाने, वो मकई की फसल बनेगी, बन के निकलेगी, फिर वो प्रोड्यूस होकर आएगी। अब जिन लोगों ने 6 महीने पहले मकई काश्त की थी वही मकई सप्लाई कर सकेंगे, कोई और नया शख्स आके आज कहे कि आज मार्केट की डिमांड बढ़ी है मैं एकदम से मकई सप्लाई करता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो मकई की सप्लाई भी हमें इन इलास्टिक लग रही है, और दूसरी जानब मकई की डिमांड भी हमें इन इलास्टिक लग रही है। डिमांड क्यों इन इलास्टिक है, क्योंकि जिन इंडस्ट्रीज के अंदर जिन जगहों में मकई इस्तेमाल होती है उसमें वहां पे उनका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं होता, ऑल्टरनेटिव कोई नहीं होता, इस वजह से उन लोगों में मकई की डिमांड समवट इन इलास्टिक है। हाई प्राइस पे भी उनको अगर मकई परचेज करनी पड़ेगी तो वो मकई परचेज करने को तैयार होंगे, इन इलास्टिक डिमांड होगी। और एग्जांपल क्या दिया, उन्होंने कहा एग्जांपल आगे दी कि अगर मकई की फसल खराब हो गई, कोई अच्छी फसल ना होगी किसी वजह से, तो आपकी सप्लाई जो पहले भी इन इलास्टिक थी प्राइस पर इनिशियल सप्लाई के ऊपर, मकई की फसल वेदर वैसा नहीं था या कुछ और चीजें थी तो आपकी फसल कम हुई, सप्लाई शिफ्ट हो गई, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से फसल में कमी आई, सप्लाई में कमी आई, तो इन इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक सप्लाई आपकी प्राइस के ऊपर इजाफा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा। और अगर फिर दोबारा किसी वजह से आपकी सप्लाई बढ़ गई तो आपकी प्राइस दोबारा देखें नीचे गिर जाएगी। तो हायर दी इलास्टिसिटी लोअर दी फ्लक्चुएशन, लोअर दी इलास्टिसिटी हायर दी फ्लक्चुएशन। स्लाइट चेंज इन ईदर द सप्लाई और डिमांड फॉर्म द प्राइस विल फ्लक्चुएट कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा तादाद में, कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी वेदर कंडीशन, कॉन्स्टेंट इन इलास्टिक डिमांड फॉर द प्रोड्यूस, कंपिटिशन ऑफ प्रोड्यूस अदर गुड फॉर या पपाया गुड फॉर एनर्जी, और इन समेशन द मोर इलास्टिसिटी दैट एग्जिस्ट इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड द मोर प्राइस स्टेबिलिटी वी वुड एक्सपेक्ट टू सी इन द मार्केट। दूसरी जानब आ गई, दूसरी जानब आ गई थी हमारे गवर्नमेंट बाजार। अब जब उन्होंने देखा जैसे हमारे यहां गंदम, गंदम की एक फसल है जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसके प्रोड्यूसर्स को भी हम प्रोटेक्ट करें,
और इसके कंज्यूमर्स को भी हम प्रोटेक्ट करें। ऐसे ही है ना, अगर आज प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट ना किया और उनको उनकी कॉस्ट रिकवर ना हुई, मुनाफा ना नजर आया, तो कल प्रोड्यूसर्स गंदम प्रोड्यूस करना छोड़ देंगे। और अगर आज कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट ना किया और कंज्यूमर्स को आटे की कीमत में इजाफा बर्दाश्त करना पड़ा, तो कंज्यूमर्स विल बी फ्रस्ट्रेटेड और वो पॉलिटिकली इनस्टेबल इनस्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, तो गवर्नमेंट की बेचारे गवर्नमेंट की मुसीबत आ गई कि उसने सप्लाई को भी स्टेबल रखना है और उसने डिमांड को भी स्टेबल रखना है। अब गवर्नमेंट वाई क्यों रखना है, क्योंकि क्रिटिकली इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर देम, इट विल बी ए डिजास्टर्स सिचुएशन फॉर देम कि ना आटे की कीमत महंगाई में इजाफा हो गया, आटे जो पहले 30 रुपए किलो आटा मिलता था 60 रुपए किलो आटा मिलना शुरू हो गया, तो वो गवर्नमेंट के लिए परेशानी की बात होगी। और दूसरी जाने उसने सप्लायर्स को भी प्रोटेक्ट करना है कि 30 रुपए के अंदर उसको अगर 30 रुपए कंज्यूमर को आटा पहुंचाना है, तो सप्लायर भी अगर 20 रुपए में गेहूं बेचे किलो, तो उसको भी उसमें से भी मुनाफा मिले ताकि अगली दफा भी उसको इंसेंटिव हो कि उसने गंदम लगानी है। कहीं ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि वो सप्लायर के मैं गंदम उगाने की बजाय गन्ना उगाना शुरू कर देता हूँ या कपास उगाना शुरू कर देता हूँ या कोई और काम शुरू कर देता हूँ, गंदम के अंदर मुझे मुनाफा नहीं है। तो अब कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करना है और प्रोड्यूसर को भी प्रोटेक्ट करना है, और साथ में आपने कुछ रेगुलेशंस करनी है। तो उसमें कहा कि गवर्नमेंट के पास एक चांस होता है, गवर्नमेंट गॉड का चांस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन रेगुलेशन कर सकती है, मार्केट रेगुलेट कर सकती है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए रेगुलेट फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। और उसका तरीका है वारदात क्या है, गवर्नमेंट का भी तरीका है वारदात समझाया हमें, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास एक तरीका है वारदात है बफर स्टॉक स्कीम, बफर स्टॉक स्कीम, यह तरीका है वारदात गवर्नमेंट का हमें समझाया। वो क्या गंदम के लिए भी हमारे यहां पाकिस्तान में हम ये देखते हैं, गवर्नमेंट कहती है भाईजान प्रोड्यूसर्स आप जो प्रोडक्शन करेंगे हम गवर्नमेंट ये मिनिमम प्राइस उसकी ऑफर कर रहे हैं, अगर आपसे कोई शख्स इस मिनिमम प्राइस पे नहीं खरीदता, वो कहता है 40 रुपए पर या 1200 रुपया पर मान, फॉर एग्जाम्पल 1200 रुपया पर मान हम आपसे ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे, और अगर आपको मार्केट 1200 रुपए से ज्यादा पे करती है तो आप मार्केट में बेच लें, अगर आपको मार्केट 1200 रुपया से कम पे करती है तो आप मार्केट ना बेचें, आप हमें बेच लें, हम ये इंश्योर करते हैं कि हम आपसे ये प्रोडक्ट 1200 रुपया पर मन में खरीदेंगे ही खरीदेंगे। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, गवर्नमेंट मार्केट में पैसे पैसे देकर वो प्रोडक्ट स्टोर करना शुरू कर दी ताकि जो प्रोड्यूसर हैं उनको इंसेंटिव वाइज कर सके। ठीक है, जाग रहे हैं सो रहे हैं बोर तो नहीं हो गए, प्राइस स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं हम यहां पे, बफर स्टॉक स्कीम की बातें कर रहे हैं, फिर उसके अंदर हमने कहा कि भाई ये काम हम करते हैं कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, कहा कि जनाब असली तौर पे दिस शुड बी दी सप्लाई कर्व, दिस शुड बी दी डिमांड कर्व, जी मैं आपको बताता हूं, अब भी वो बताते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा एक्चुअल इक्विलिब्रियम प्राइस इज दिस,
इक्विपमेंट प्राइसेस प्लीज गवर्नमेंट ने कहा दी कि कोई इशू नहीं है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस हम आपको देंगे ताकि आप ज्यादा सप्लाई करें मार्केट के अंदर। इस प्राइस के ऊपर डिमांड कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा करें। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, क्या सिचुएशन आई सरप्लस की, ये सरप्लस गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया, सरप्लस था ना, सरप्लस परचेज बाय गवर्नमेंट। तो नुमान कह रहे हैं कि भाई ये तो आपने सब कह दिया ठीक है, सरप्लस गवर्नमेंट परचेज कर लिया, गवर्नमेंट ने कुछ गर्दन का करना क्या, तो गवर्नमेंट ने पता क्या करना है। आज के दिन तो कंडीशन है मार्केट की, मार्केट की इक्विलिब्रियम इज हियर, मार्केट का इक्विलिब्रियम इधर। कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे मार्केट मूव कर जाए और आपकी शॉर्टफॉल आ जाए, मार्केट की प्राइस प्राइस यहां पे मूव कर जाए, शॉर्टफॉल आ जाए इस प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर सप्लाई इज हियर एंड डिमांड इज हियर, क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांड। तो जब शॉर्टफॉल आ जाएगी तो फिर भी वो डिमांड को मूव करने के लिए, इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि ये शॉर्टफॉल आप इक्विपमेंट से नीचे ना जाने दें, आई एम विलिंग टू सप्लाई दिस शॉर्टफॉल, गवर्नमेंट विल सप्लाई, गवर्नमेंट से हमें गवर्नमेंट सप्लाई कर देगी। अब गवर्नमेंट के पास पहले स्टॉक मौजूद था, सरप्लस उसने परचेज किया और मार्केट कंडीशन चेंज होने के ऊपर उसने सप्लाई कर दिया। तो पहले उसने डिमांड वाली साइड पे काम किया, फिर उसने सप्लाई वाली साइड के ऊपर काम किया। अब इधर आते हैं बफर स्टॉक स्कीम, मेजर द यूज कमोडिटी स्टोरेज फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, स्टेबलाइजिंग प्राइसेस इन द मार्केट, गवर्नमेंट यूज करती है। यही वो बात हम जो कर रहे थे, दिस वॉज द डिमांड कर्व, दिस वॉज द सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व था। अब सप्लाई किसी वजह से ज्यादा हो गई, सप्लाई किसी वजह से ज्यादा हो गई तो प्राइस रिड्यूस होनी थी। गंदम की एग्जाम्पल ही देख लें, गंदम की एग्जाम्पल देखें, पहले गंदम सप्लाई करते अच्छी क्रॉप हो गई, अच्छी फसल हुई, अच्छी फसल की वजह से सब लोग खुश हुए कि ना आज इस दफा तो बड़ी अच्छी फसल हुई है, लेकिन अच्छी फसल होने से क्या हुआ, सप्लाई में इजाफा हुआ, जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस थी यहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे गिर गई, अच्छी फसल होने से उल्टा जो जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है उसको नुकसान हुआ। अच्छी फसल हुई, फार्मर तो खुश हो रहा था अच्छी फसल हुई है मुझे इस दफा खुशहाली आएगी और खुशी होगी, लेकिन इस अच्छी फसल ने क्या किया, इस अच्छी फसल ने आपके इक्विलिब्रियम प्राइस को नीचे गिरा दिया, इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस हो गई। तो अब फार्मर क्यों डिसइंसेंटिवाइज हो सकता था, फार्मर परेशान हो सकता था, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई मसला नहीं, मिनिमम प्राइस के ऊपर आप मुझे सप्लाई करते हैं, दिस एडिशनल क्वांटिटी आई एम विलिंग टू परचेज, मैं उसको स्टॉक कर लेता हूं। यहां पर पड़ेगी और क्या कहते हैं ये सारी बातें, इन द अबाउट डायग्राम सप्लाई शिफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम एस वन टू एस टू, मीनिंग विद नो इंटरवेंशन द प्राइस विल फॉल टू पीई, यहां पीई पे आ जाएगी, इधर से प्राइस पीई पे गिर जाएगी। However, because government guarantees price at P minimum, it buys the surplus stock Q2 to Q3. ये Q2 से Q3, ये जो additional surplus part था Q2 से Q3, ये stock government buy कर रही है। The fact that farmer received this price naturally means that the price is stable, thus achieving the policy goal. Should there be a commodity shortage, talking about GDP,
future period, this stock level could be used to release onto the market and reduce the upward pressure on price. Price pe upward pressure jaise aata hai, yahan pe humne kaha tha, yahan pe price ke upar upward pressure aa sakta tha, usko reduce karne ke liye shortage ki wajah se market ko humne stable karna tha, wo humne kiya. Disadvantage, ye hisab question aa chuka hai. पेपर के अंदर के जी के बफर स्टॉक की कोई डिसएडवांटेज नहीं है. जी बिल्कुल डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज है? ये तो पॉलिसी अपफ्रंट कॉस्ट परचेजिंग, जब गवर्नमेंट को इतनी इतना स्टॉक परचेज करना है तो पैसे भी तो देने हैं. अब वही जो गवर्नमेंट थी वो बजाय गन्नों खरीदने के हो सकता है स्कूल बनाने के ऊपर पैसे लगा देती, अपने पैसों को हॉस्पिटल बनाने के ऊपर पैसों को लगा देती, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वो पैसे उसको गंदम खरीदने के ऊपर लगाने पड़े. तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका. दिस रिक्वायर कैपिटल दैट वी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देखा था कि हम उसको स्कूल के ऊपर कर सकते हैं, हम उसको बाकी जगह. और ये कैन ऑल्सो इंक्रीज ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन भी जब उनको पता है कि जिसके हमें मिनिमम इतनी प्राइस मिल जानी है तो प्रोड्यूसर हो सकता है कि अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा दें क्योंकि उन्हें मिनिमम प्राइस मिल जाएगी. तो ओवर प्रोडक्शन का खतरा मौजूद होता है बफर स्टॉक स्कीम में. लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टोरेज कॉस्ट. जब आपने इतनी ज्यादा सरप्लस को परचेज करना है, उसको रखना है, उसको उसकी देखभाल भी करनी है, स्टोरेज भी करनी है और उसमें खराबी भी नहीं आनी, उसकी कॉस्ट भी गवर्नमेंट को बर्दाश्त करनी पड़ेगी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोरेज कॉस्ट भी है. लेकिन अब हमारा इस चैप्टर में रह गया सिर्फ CAF-03, वो जिसको हम कल देखेंगे और फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर वन की तरफ मूव करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया और फिर हम चैप्टर फाइव पे जाएंगे. बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेजेंस एंड अल्लाह हाफिज.